अंधेरा छा चुका था और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था। 14 साल के करीब एक लड़की उस जंगल में बिना कपड़ों के बेहोश पड़ी हुई थी और उसके कपड़े भी पास वाली झाड़ी के पास बिखरे हुए थे। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। कुछ समय बाद जब उसको होश आता है और वो अपने घर जाने के लिए उठती है तो दर्द और अंधेरे के कारण नहीं जा पाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। आखिरकार कौन है ये लड़की और क्या हुआ था उसके साथ, जानेंगे आज क्राइम की कहानी में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समाज में हो रहे क्राइम को हम आप तक पहुंचा पाए। 9 मार्च 2023 आगरा का सिकंदरा क्षेत्र मांगरोल गुर्जर होली के दिन 14 वर्षीय नीलम अपने घर से ये कहकर निकलती है कि मैं मौसी के घर होली खेलने जा रही हूँ और 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। लेकिन शाम के 7 बज गए थे और नीलम अभी तक घर नहीं पहुंची थी, लिहाजा उसके घर वालों ने उसकी मौसी को फोन किया। फोन पर बात करते हुए उसकी मौसी ने कहा कि नीलम तो हमारे यहाँ आई ही नहीं है। फिर उसकी सहेलियों और दोस्तों से भी पूछा गया लेकिन सबने वही जवाब दिया। अब घर वाले परेशान हो गए, लिहाजा उन लोगों ने गांव वालों के साथ मिलकर नीलम को ढूंढने का फैसला किया। पूरी रात वह सब मिलकर नीलम को ढूंढते रहे लेकिन उसका कुछ पता ना चल सका। 10 मार्च सुबह के लगभग 8:30 पर उसी गांव का रहने वाला एक शख्स कि जिसका नाम जयप्रकाश होता है, जो अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर को वापस जा रहा था और उसके घर का रास्ता भी मांगरोल के जंगल से होकर ही गुजरता था। जब नीलम को वो सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है तो वह अपने हाथ के इशारे से उसको अपने पास बुलाती है। लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड उसके पास पहुंचता है तो नीलम की यह हालत देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपना गमछा उतार कर नीलम के ऊपर डाल देता है। जयप्रकाश ने नीलम से कई बार पूछने की कोशिश की कि बेटी तुम कौन हो और ये हालत तुम्हारी किसने की है, लेकिन नीलम ढंग से अपना नाम तक नहीं बता पा रही थी। जयप्रकाश उससे बार बार बेटी बेटी कहकर पूछने की कोशिश करता रहा। तब जाकर नीलम ने हिम्मत जुटाकर अपना नाम और अपने घर का पता बताया। उसके बाद नीलम ने उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि मेरे भाई को फोन कर दो। वह एक नंबर भी बताती है और फिर बेहोश हो जाती है। नीलम के बताए हुए नंबर पर सिक्योरिटी गार्ड तुरंत फोन करके नीलम की हालत और उस जगह की जानकारी उनके घर वालों को देता है। जैसे ही उनके घर वालों को नीलम के बारे में पता चलता है तो मानो उनके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि जिस बेटी को उन्होंने इतने प्यार से पाला था वह आज रोड किनारे पड़ी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी। अब घटनास्थल पर कई लोग इकट्ठे हो चुके थे। इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई, लिहाजा कुछ ही समय में पुलिस और नीलम के परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंच गए। नीलम की आंख, कान, नाक और मुंह से खून बह रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसको होश आता है तो उसको उल्टी होने लगती है। पुलिस और घर वाले मिलकर उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं ताकि सबसे पहले उसकी जान बचाई जा सके। इधर आरोपी इस अपराध को अंजाम देने के बाद नीलम को मरा हुआ समझकर झाड़ियों में डालकर फरार हो गए थे, मगर उसकी सांसें चल रही थी और वह रात भर जंगल में इसी तरह पड़ी रही। उनके पिता ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। तब तक नील को भी होश आ चुका था। पुलिस उससे बात करती है क्योंकि पुलिस नीलम के बयान के आधार पर ही जांच को आगे बढ़ा सकती थी। लिहाजा नीलम ने बताया कि जब वह अपने घर से मौसी के यहाँ जाने के लिए निकली तो रास्ते में उसे एक बाइक सवार लड़का मिलता है जो उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। इस पर नीलम जवाब देती है कि मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ, तो बाइक सवार कहता है कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं, तुम बाइक में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर तक छोड़ देता हूं। नीलम उसकी बाइक पर बैठ जाती है, लेकिन वह बाइक सवार लड़का नीलम को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल में पहुंचकर वह नीलम से कहता है कि मुझे बाथरूम के लिए जाना है, उसके बाद हम यहां से निकलते हैं। जब तक मैं आता हूं तब तक तुम थोड़ा पानी पी लो। और जैसे ही नीलम ने पानी पिया उसके बाद से उसको कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। पुलिस को नीलम के इस बयान पर विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा कि नीलम कहीं ना कहीं कुछ छुपा रही है, क्योंकि पहली बात तो यह थी कि नीलम एक 14 वर्षीय समझदार लड़की है, वो किसी अजनाज इंसान के साथ मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकती। दूसरी बात यह है कि अगर मान लिया जाए कि वो मोटरसाइकिल पर बैठ भी गई तो जब वो इंसान उसको उसकी मौसी के घर की बजाय जंगल की तरफ ले जा रहा था तो नीलम ने विरोध क्यों नहीं किया। इसी कारण पुलिस को उसके बयान पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर उन्हें लगा कि हो सकता है कि नीलम बेहोशी की हालत में ठीक से बयान नहीं दे पा रही है।
इधर नीलम की मां ने रोते हुए कहा कि जिसने भी उसकी बेटी के साथ ये दरिंदगी की है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उसकी बेटी गांव में ही होली खेलने निकली थी और गांव से ही उसका अपहरण कर लिया गया। नीलम की मां ने कहा कि ये बात तो बेटी के पूरी तरह से होश में आने के बाद ही पता चलेगी कि कितने लोगों ने मिलकर उसके साथ ये दरिंदगी की है। जब महिला पुलिस को साथ लेकर उसको विश्वास दिलाया गया और उससे कहा गया कि बेटा घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सच सच बताओ उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था और किसने ये सब किया, तभी हम उन मुजरिमों को पकड़कर सजा दिला पाएंगे। तब हिम्मत जुटाकर नीलम ने बताया कि घटना वाले दिन उसके दोस्त गणेश का फोन उसको आया और उसने उसे होली खेलने के लिए गांव के बाहर मिलने बुलाया था। उसके बाद नीलम अपनी माँ को ये कहकर कि वो मौसी के घर होली खेलने जा रहा रही है, यानी अपने घर वालों से झूठ बोलकर वो गणेश से मिलने गांव के बाहर गई। जब नीलम गणेश के पास पहुंची तो गणेश ने कहा कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, चलो हम रौनकता चलते हैं और वही होली खेलेंगे। इसके बाद नीलम गणेश के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है और गणेश उसको रौनकता ले जाकर मिठाई खिलाई और फिर जंगल की ओर निकल गया। नीलम के इस बयान के आधार पर पुलिस आयुक्त ने सिकंदरा पुलिस स्टेशन से कई टीमों को गठित करके इस घटना की जांच करके खुलासे के लिए लगा दिया, क्योंकि नीलम के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला बहुत बड़ा था। लेकिन जांच में पता चलता है कि नीलम की मां के फोन से ही एक नंबर पर अधिकतर बात होती रहती है और नीलम की मां को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि नीलम उसकी मां का फोन यूज करती है और लंबे समय तक किसी से बात करती है। पुलिस ने बिना किसी देरी किए जब उस नंबर की डिटेल निकलवाई तो पता चला कि वो नंबर किसी गणेश के नाम से रजिस्टर्ड है। इन सबूतों के आधार पर पुलिस गणेश को अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ करती है तो गणेश भी हर मुजरिम की तरह यही कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, नीलम ने खुद मुझे फोन करके बुलाया था, हम रौनकता गए और होली खेलकर मैंने नीलम को गांव के बाहर छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे नहीं पता कि नीलम के साथ ये सब कैसे हुआ। लेकिन जब पुलिस ने गणेश के साथ सख्ती से पूछताछ की और उसकी लोकेशन चेक की तो पता चला कि होली के दिन गणेश की लोकेशन गांव में भी थी और रौनकता में भी। उन लोगों ने एक जगह नाश्ता भी किया था और मोबाइल फोन भी खरीदा था जिसकी पेमेंट गणेश ने ऑनलाइन की थी। गणेश पुलिस को पूरी सच्चाई बताता है कि किस तरह उसने पूरी घटना को अंजाम दिया था। जब इस घटना की जानकारी सामने आई तो बड़ी चौंका देने वाली लगी। दरअसल गणेश मांगरोल गुजर अपनी रिश्तेदारी में आया जाया करता था। नीलम से 6 महीने पहले ही उसकी जान पहचान हुई थी और ये जान पहचान धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अब गणेश जब भी उस गांव में आता था तो नीलम से जरूर मिलता था, लेकिन उसे जो नीलम से चाहिए था वो उसे नहीं मिल पा रहा था। गणेश जयपुर में रहकर एक सैलून चलता था। वो 7 मार्च को छुट्टी पर आया था और 9 मार्च को उसने नीलम से होली खेलने का और बाइक में घुमाने का वादा किया था। इधर नीलम अपनी मां से मौसी के यहां जाने की बात कहकर घर से निकल जाती है। उधर गणेश गांव के बाहर अपने दोस्त संतोष को भी फोन करके बुला लेता है। संतोष के आने के बाद वो दोनों वहां से दारू खरीदते हैं और नीलम को लेकर रौनकता चले जाते हैं और तीनों यहां नाश्ता करते हैं और गणेश यही से नीलम के लिए एक फोन भी खरीदता है। तब तक शाम हो चुकी थी, ये लोग वापस आ रहे थे। रास्ते में जहां जंगल पड़ता है वहां अंधेरा भी काफी होता है और ऊपर से ये लोग शराब भी पिए हुए थे, जिस कारण इन दोनों की नीलम पर नियत खराब हो जाती है और वो नीलम से मनमानी करने के लिए कहते हैं, लेकिन नीलम उनको ये सब करने से मना कर देती है। नीलम कहती है कि मैं ये सब काम कभी नहीं करूंगी। गणेश बार बार उसको संबंध बनाने के लिए कहता है लेकिन वो बार बार मना करती रहती है। वो कहती है कि मुझे घर छोड़ दो, रात हो रही है। जब इन लोगों को लगता है कि अब नीलम नहीं मानेगी तो ये दोनों जबरदस्ती नीलम को जंगल में ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं और जब उनको लगता है कि ये घर जाकर सबको बताएगी तो हम फंस जाएंगे, लिहाजा वो दोनों नीलम को मरना शुरू कर देते हैं। वो नीलम को पास में खड़े पेड़ से कई बार टकराते हैं, उसके मुंह पर ईंट से कई बार वार करते हैं, सबसे पहले उसका गला घोटते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डालने का भी प्रयास करते हैं। जब उनको लगता है कि अभी भी ये जिंदा है तो फिर से उसका गला घोटते हैं और फिर जब उनको ये संतुष्टि होती है कि नीलम मर चुकी है तो उसको उठाकर कटीली झाड़ियों में फेंक देते हैं और घर भाग जाते हैं।
जब सुबह उनको पता चलता है कि नीलम जिंदा है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो कि दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस पहले ही उनको पकड़कर कोर्ट में पेश कर देती है, जहां उनको 1,00,000 का जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।